वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड इनिंग्स फॉर एक सर्विसमैन। जब भारतीय सेना से हम रिटायर होते हैं तो बहुत कम उम्र में रिटायर होने की वजह से उस वक्त हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए जो पेंशन हमें मिलती है वो क्वाइट इनसफिशियंट है। तो घर परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग का रास्ता ढूंढना ही होता है हमें। आज हम ऐसे ही 7 अलग अलग रास्ते के बारे में हम बताएंगे जिसके ज़रिए हम अपना जीवन का सेकंड इनिंग्स अच्छे ढंग से गुजार सकते हैं, अपना घर परिवार का देखभाल कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जिससे कि घर परिवार चलाना बहुत आसान हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा वो सारे अर्निंग सिस्टम्स हैं। और मेन वीडियो में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें अपनों से, दोस्तों से, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। एक सर्विसिंग के लिए कौन कौन सा वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले और सबसे अट्रैक्टिव, सबसे ल्यूक्रेटिव जो वेज़ है अर्निंग का वो है गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू कंपिटिटिव एग्जामिनेशन। हाँ दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है गवर्नमेंट का, जैसे UPSC है, SSC है, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट है, IBPS है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इन सभी संस्थाओं ने साल भर बहुत सारे वैकेंसीज निकालते रहते हैं जिसमें एक सर्विसमैन के लिए कुछ कोटा रहता है। अब देखते हैं एक सर्विसमैन के लिए कितना रिजर्व कोटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2014 का ये लेटर है। इस लेटर में एक सर्विसमैन किसे कहा जाएगा और एक सर्विसमैन को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कौन सा पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया होगा, ये सारे चीज़ इस कंपेंडियम में दिया हुआ है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक एक पेज का काफ़ी लंबा ये लेटर है। और इसका जो मेन एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप C&D पोस्ट के लिए 10% रिजर्वेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैरामिलिट्री का असिस्टेंट कमांडेंट और इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए अप टू 10% रिजर्वेशन है। और ग्रुप बी पोस्ट के लिए और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा सभी पोस्ट के लिए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ए, सभी पोस्ट के लिए, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ये तीनों पोस्ट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है ये इक्विवेलेंट टू टोटल जितने साल आपने सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स। और ग्रुप बी गेजेटेड एंड ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो होगा 5 ईयर्स। बट इसका भी कुछ क्लॉजेज है, जैसे कि अगर ये गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया कंपिटिटिव रिक्रूटमेंट का तहत अगर होगा तो आपका जो एज रिलैक्सेशन वो 5 ईयर्स होगा। और अगर ये रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया कंपिटिटिव एग्जामिनेशन का थ्रू नहीं हो रहा है तो आपको जितना साल सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स वेटेज, ये टोटल जितना ईयर्स हो गया इतने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखते हैं कौन कौन सा एजेंसीज है जो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट करते हैं, कौन कौन सा वो पोस्ट है। सबसे पहले आता है SSC, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, ये कंडक्ट करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है। और इसमें से जो एक्साइजमैन के लिए जो सबसे अच्छे पोस्ट है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और CBI इंस्पेक्टर है, ऑडिटर और इक्विवेलेंट पोस्ट जो है अकाउंटेंट है, UDC है, ये सारे पोस्ट्स हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाई डिफेंस अथॉरिटी वो भी इसमें एक्सेप्टेड है। इसका जो सैलरी है लगभग इनहैंड सैलरी सब मिला के आज का डेट में 40,000 से 50,000 तक है विदाउट पे फिक्सेशन बेनिफिट। दूसरा है SSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट के लिए, कंबाइंड HS लेवल, SSC HS लेवल एग्जामिनेशन। इसमें जो पोस्ट है
डाटा एंट्री ऑपरेटर है, क्लर्क है एलडीसी के लिए, और पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एचएस पास होना चाहिए और आपका कंप्यूटर टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। तीसरा जो पोस्ट है वो है एमटीएस के लिए है, एमटीएस रिक्रूटमेंट है, ये भी एसएससी कंडक्ट करते हैं हर साल। इसके लिए 10th पास होना चाहिए और एमटीएस के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और दिल्ली पुलिस का हिस्सा है, ये दोनों का कम्बाइंड एग्जामिनेशन होता है। इसके लिए जो वैकेंसी लिस्ट है आप देख सकते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे वैकेंसीज निकालते रहते हैं हर साल, और इसमें इसका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सभी पोस्ट के लिए जितना भी मैंने बताया एसएससी का, इसके लिए सारे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगा एसएससी का जो गवर्नमेंट का साइट है ssc.nic.in। और भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा एक करियर गाइड का वेबसाइट है, जो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं www.wondercareer.net। इस पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे एसएससी, सीजीएल, एचएस लेवल, एमटीएस, सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस एसआई, सारी जो एग्जामिनेशन है इसका नोटिफिकेशन से लेकर के सब इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगा। इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, इसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन क्या है, एक सर्विसमैन का कट ऑफ कितना है और एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज कितना है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भारी मात्रा में जहाँ पे वैकेंसीज मिलता है एक सर्विसमैन के लिए, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का जो नेशनलाइज बैंक है, मैक्सिमम जो नेशनलाइज बैंक है उनका रिक्रूटमेंट होता है, एक एजेंसी है जिसका नाम है IBPS। तो IBPS का जो नोटिफिकेशन है और एग्जामिनेशन का जो भी डिटेल्स है वो आपको IBPS का जो वेबसाइट है IBPS.in इसमें मिल जाएगा। और दूसरा जो है हमारा वेबसाइट जो आपको बताया www.wondercareer.net, इसमें भी इसका सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। IBPS के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट, और डिफेंस का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो भी इसके लिए वैलिड है। ये जो पोस्ट आपको मिलता है असिस्टेंट का जो पोस्ट है बैंक का, क्लरिकल लेवल का जॉब है, तो इसके लिए सैलरी लगभग 30,000 to 35,000 है एज ऑन डेट। और नेक्स्ट जो बैंकिंग का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है SBI और RBI इनके द्वारा, जो कंसर्न्ड बैंक है जैसे SBI है तो SBI खुद इसका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, और RBI भी अपने अलग से रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और डिफेंस का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड है SBI के लिए। जो सैलरी लेवल है लगभग वही जो IBPS का, थोड़ा नेशनल बैंक का अदर जो एम्प्लॉइज़ को मिलता है आपको भी वही मिलेगा लगभग 32,000 to 35,000। और सबसे बड़ी बात है बैंक में पेफिकेशन मिल रहा है, मैक्सिमम बैंक जो है पेफिकेशन बेनिफिट दे रहे हैं, यानी कि आपका लास्ट पे जो है इसमें प्रोटेक्शन है। तो ये एक अच्छा सुविधा है बैंक में जॉब पाने से, ताकि आपका जो है मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाता है। नेक्स्ट है कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, जैसे FCI हो गया, ESIC हो गया, EPFO हो गया। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन वेरियस पोस्ट के लिए साल भर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकालते रहते हैं, और सब में एक सर्विसमैन का काफ़ी वैकेंसीज रहता है। जैसे FCI का AG3 पोस्ट के लिए है, ESIC का सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, EPFO का असिस्टेंट और क्लरिकल पोस्ट के लिए है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का है। ये सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट, ये दोनों क्वालिफिकेशन का जो है पोस्ट इसमें निकालते रहते हैं। सैलरी लेवल लगभग 30,000 to 35,000 है, और अभी तक किसी में भी पे फिक्सेशन बेनिफिट, लास्ट पे ड्रॉन या फिर पे फिक्सेशन या पे प्रोटेक्शन जो भी बोले वो नहीं मिल रहा है। और नेक्स्ट है रेलवे का है। रेलवे में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज रहता है एक सर्विसमैन के लिए वो है ग्रुप डी पोस्ट के लिए। ग्रुप डी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन का कोई इसमें
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैट्रिकुलेशन होने से ही जो है ग्रुप डी पोस्ट मिल सकता है। और दूसरा जो है रेलवे का ग्रुप सी पोस्ट जैसे है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर और क्लरिकल पोस्ट, बहुत सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट है। और जो टेक्निकल ग्राउंड से हैं उनके लिए भी बहुत सारे पोस्ट रेलवे में वैकेंसीज निकालते रहते हैं, तो आपको रेलवे का जो वेबसाइट्स है उसमें आप देख सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है undercarrier.net उसमें भी आपको टाइम टू टाइम इसका जो भी नोटिफिकेशन पब्लिश होता है, जो भी वैकेंसीज पब्लिश होता है, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश करते रहते हैं, और बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं जिसमें एक्साइजमैन को कुछ जगहों में रिजर्वेशन मिलता है, कुछ जगह में नहीं मिलता है। जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। एक्साइजमैन के पास बहुत बहुत सालों का जो सर्विस का तजुर्बा है, तो वो ऐसे नहीं कि फ्रेशर के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत सारे जगह में देखा फ्रेशर से 1000 गुना अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में या फिर रिटन एग्ज़ाम में एक सर्विसमैन। तो आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होके हर ऐसे जगह में आप अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, आप ज़रूर सक्सेस होंगे, कॉन्फिडेंस रखिए। और UPSC का कुछ पोस्ट है जो टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, उसमें एज लिमिट रहता है 40 ईयर्स। इसका जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ORA, UPSC ORA। UPSC का ORA जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 40 साल तक का उसमें ऐसे ही मिलता है एज का छूट, कहीं कहीं 45 ईयर्स तक का भी है। तो ये सारे जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का हमने इंफॉर्मेशन जो बताया, इसके लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आपको undercarrier.net वेबसाइट में मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मिल जाएगा। ये तो था आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए। और ऐसे भी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको तुरंत जॉब चाहिए, उस केस में आप DGR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, इनका स्पॉन्सर्ड कुछ जॉब्स वैकेंसीज पब्लिश होता है उनका वेबसाइट में, DGR का वेबसाइट में, जिसका लिंक हमारे साइट में आपको मिल जाएगा। तो उनका जो स्पॉन्सर्ड जो पोस्ट होता है उसमें ऐसी कंपटीशन जो है फ्रेशर का साथ नहीं होता है, केवल मात्र एक सर्विसमैन के लिए स्पेसिफिक कुछ पोस्ट रहता है, जिसमें कई जो कंपटीटिव एग्ज़ाम भी खास जो फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल मात्र फॉर्मल कुछ इंटरव्यूज के बाद ही जो है सिलेक्शन हो जाता है। आप ये भी टाइम टू टाइम देख सकते हैं। DGR का जो प्लेसमेंट है इसका रैली भी कई बार होता है, आपका जो मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पे आप टाइम टू टाइम आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आपका स्टेशन हेडक्वार्टर से भी DGR का बहुत सारे वैकेंसी स्टेशन हेडक्वार्टर का थ्रू भी मिलता है। और नेक्स्ट जो एजेंसीज है जहाँ से आपको एडहॉक बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है वो है प्लेसमेंट एजेंसी। ये प्लेसमेंट एजेंसी तीनों सर्विसेज का प्लेसमेंट एजेंसी है, जैसे आर्मी प्लेसमेंट नोड है या आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट एजेंसी है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट एजेंसी है, दूसरा नेवल प्लेसमेंट एजेंसी है, तीसरा है एयरफोर्स प्लेसमेंट एजेंसी है। इन सभी एजेंसीज का थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं रीएम्प्लॉयमेंट के लिए। ये जो एप्लीकेशन है आप रिटायरमेंट से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको जब डिस्चार्ज ऑर्डर हाथ में मिल जाता है तो डिस्चार्ज ऑर्डर का कॉपी के साथ और बाकी जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो सारी चीज़ देके आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर पहले नहीं किया तो रिटायरमेंट के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी का जो लिंक है मैंने दे दिया, इसका थ्रू जो है सारा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है बट रीसेटलमेंट इनिशिएटिव है, ये है रीसेटलमेंट इनिशिएटिव बाय केंद्रीय सैनिक बोर्ड। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने कुछ रीसेटलमेंट के लिए कुछ स्कीम्स रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं KSB का वेबसाइट में सारे स्कीम के बारे में दिया हुआ है। कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट स्कीम, टिपर अटैचमेंट स्कीम, पेट्रोल पंप एजेंसी स्कीम, कोको ऑपरेटरशिप, क्लास 5 सरप्लस व्हीकल अलॉटमेंट स्कीम,
गोपाल जी, मदर डेयरी एंड सफल मिल्क एंड वेजिटेबल बूथ इंस्टॉलमेंट स्कीम, सीएनजी स्टेशन ऑपरेटिंग स्कीम, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरिंग टूल किट फॉर टेक्निकली क्वालिफाइड एक सर्विसमैन। तो ये सारे स्कीम्स जो है एक सर्विसमैन का रीसेटलमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए केएसबी का वेबसाइट में, आप केएसबी का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये तो था गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव भी है, जैसे कि अगर आप में हुनहार है, आप समझते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो आप सिविल में लगा सकते हैं, आप अपने नेशन बिल्डिंग में लगा सकते हैं, आप में ये कॉन्फिडेंस है कि सिविल जॉब जो लोग कर रहे हैं उनका बराबरी आप कर सकते हैं, तो आपको प्राइवेट कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी जॉब मिलने का बहुत सारे चांसेस है। टेक्निकली क्वालिफाइड जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिविल कॉरपोरेट वर्ल्ड में है, जैसे कि एयरफोर्स का जो टेक्निकल ट्रेड से आए हैं, नेवल का टेक्निकल ट्रेड से जो बिलोंग करते हैं, और इंडियन आर्मी का जैसे कोर ऑफ सिग्नल्स हो गया, ईएमई हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, ये सारी सर्विसेज में जो टेक्निकल ट्रेड्स का है उनके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कॉरपोरेट वर्ल्ड में है। जैसे कि आपको कम्युनिकेशन कंपनीज रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनी हायर करते हैं और अच्छी सैलरी भी मिलता है। बहुत सारे सी बिल्डिंग कंपनी है जो नेवल पर्सनल के लिए बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एविएशन कंपनीज है जो एयरफोर्स से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फिट ट्रेड है एयरफोर्स का, इनके लिए एयरफोर्स का और भी बाकी जो टेक्निकल ट्रेड्स है उनके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एविएशन कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा हो गया इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़। ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होता है जैसे कि फौज में, जैसे एक आर्मी में जैसे आपका रेजिमेंटल हवलदार मेजर आरएचएम या सीएचएम का जो जॉब होता है, मैन मैनेजमेंट हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कहीं पे कोई एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए जो सारे जो अरेंजमेंट करना है जो भी चीज़ों का, ये सब कुछ का एक्सपीरियंस एक सर्विसमैन के पास तो रहता ही है क्योंकि फौज में इसी तरह का डीलिंग करके आए, तो उनका जो एक्सपीरियंस वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो है रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें आपको नौकरी मिलने का बहुत चांसेस है। तीसरा हो गया आपका होटल इंडस्ट्रीज। होटल इंडस्ट्रीज जो है उसमें एक सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आईटी कंपनीज में बहुत सारे वैकेंसीज है और बहुत सर्विसमैन जो है आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं जो आईटी क्वालिफाइड है, जैसे कोर ऑफ सिग्नल्स से है, कोर ऑफ सिग्नल्स आईटी कंपनी आईटी कोर है, ऐसे इसी तरह का जैसे कोई अपने इंटरेस्ट में कोई आईटी का कोर्सेज वगैरह कर लिया फौज में रहते रहते तो उनको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। जैसे कि ईएमई से रिटायर किए हों, ईएमई का या फिर एयरफोर्स का जो टेक्निकल ट्रेड से रिटायर किए हैं उनको जो इंजीनियरिंग बेस्ड जो कंपनीज़ है उसमें ये सभी कंपनीज़ जो हायर करते हैं, बहुत अच्छा सैलरी भी देते हैं। तीसरा हो गया और नेक्स्ट जो है व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज़। ये बहुत सारे व्हीकल जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है, ये ऑटोमोबाइल कंपनीज़ एक सर्विसमैन को हायर करते हैं इनका एक्सपीरियंस के वजह से। और डिफेंस यूटिलिटी प्रोडक्शन यूनिट्स, यहाँ पे भी बहुत स्कोप है जॉब्स को, जॉब मिलने का एक सर्विसमैन के लिए। एमएनसीज़ बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो एक सर्विसमैन का टैलेंट को हायर करते हैं और बहुत अच्छे सैलरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था प्राइवेट जॉब्स का है, और जितने भी जॉब रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया वो टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा जो कंसर्न्ड वेबसाइट से, और कुछ इस वक्त कुछ वैकेंसीज जो है इन हैंड है हमारे पास, जो नोटिफिकेशन जारी किया वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैक्सिमम ग्रेजुएट तक ही है, सभी तरह का क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसीज है, मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक का, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। आप इसका लिंक जो है, ये जितने भी वैकेंसीज आप देख रहे हैं ये सबका
लिंक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा wondercareer.net हमारे वेबसाइट में। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, फिर भी मैं इसमें स्क्रीन में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके ये सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये तो था जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब देखते हैं जॉब के अलावा, जॉब करने के अलावा कुछ हम में से कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि काफ़ी साल तो हमने जॉब किया, अब जॉब नहीं करना, अब खुद कुछ करना है। तो ऐसे इन लोगों के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अब गवर्नमेंट भी बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्टार्टअप मेक इन इंडिया, ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये सब प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारा फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, आपका आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा, फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, बहुत अच्छे सब्सिडी पर लोन मिलेगा। आप ये सब जो अवेल कर सकते हैं। और आप अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो गवर्नमेंट के साथ भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट जेम। ये जेम पोर्टल एक बहुत अच्छा पोर्टल है, जहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको अपलोड करके प्रोडक्ट को जो है सप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डीलिंग ऑनलाइन होता है, आपको थोड़ा सा आईटी में अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ा सा आईटी अवेयरनेस है तो आप ये सब बिज़नेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको फुल फ्रीडम देता है, जैसे कि फौज में रहकर, फैमिली से दूर रहकर हम लोग जो सैक्रिफाइस किया, अब आपको ये सैक्रिफाइस करने का ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसका भी उपाय है, ये है डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन जॉब्स। आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट भी अभी जो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, तो ये डिजिटल इंडिया में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन जॉब्स क्या है, ये सारे चीज़ आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग ये है, आईटी रिसोर्सेज को यूज़ करके आप कैसे किसी गुड्स या सर्विस को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं या फिर उसको प्रमोट कर सकते हैं, यह है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप तीन तरह से काम कर सकता है। फर्स्टली आप डिजिटल प्रोडक्ट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं आप और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो खुद क्रिएट करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई पैकेज बनाया, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया, कोई ऐप बनाया, या फिर आप कोई कंटेंट बनाया जो कि दूसरे के लिए अच्छा हेल्पफुल हो सकता है, तो ये सब चीज़ आप इसको मार्केट कर सकते हैं, इसको सेल करके आप अर्न कर सकते हैं। तो कैसे होगा, ये सारे डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। सेकेंडली है, आप जो है गुड्स सेल कर सकते हैं, जो आप खुद बनाए नहीं हैं, दूसरे से गुड्स कुछ लेके आप जो है मीडियम बन के उसको सेल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन ये सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं। मोटे तौर पे जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन हमारे देश में इस तरह का जो होम डिलीवरी देते हैं, तो उनको जो सामान जो उनका जो सेलर होता है वो सेलर बन सकते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए सारे असिस्टेंस आपको मिल जाएगा, आपका घर से जो है फ्लिपकार्ट का जो जो सप्लाई चेन है वो आपका घर से प्रोडक्ट ले जाएगा और जो है कस्टमर के पास पहुँचा देगा। पैकिंग मटेरियल्स भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, केवल आपको साइनअप करना है। इनका जो एसोसिएट प्रोग्राम है इसमें आपको साइनअप करना है, साइनअप करने से सारे असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए गुड्स जो है आपको अपना ओन अरेंजमेंट में आपको अरेंज करना पड़ेगा, किस तरह का गुड्स आप सेल कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो आपको खुद डिसाइड करना है। वो गुड्स आप मार्केट से ले सकते हैं, किसी कंपनी से ले सकते हैं या फिर किसी दूसरा मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। तीसरा जो है, आप ना तो गुड सेल कर रहे हैं ना गुड बना रहे हैं, आप केवल एक मीडिया बन के आप प्रमोट कर रहे हैं और इसी का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। ये एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे एक टूल्स है। एफिलिएट मार्केटिंग का थ्रू लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। आज के डेट में सबसे पॉपुलर है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का सुविधा बहुत सारे कंपनी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है। ये सारे कंपनीज जो है जो सामान अपने साइट में अपलोड किया, एडवर्टाइज़ किया, सेम उसी आइटम को आप अपना एक वेबसाइट बनाकर या फिर ब्लॉग बनाकर आप
उसी आइटम को प्रमोट करना है, और प्रमोट करते वो आइटम जब लोग खरीदेंगे तो आपको कुछ अमाउंट, कुछ कमीशन मिलेगा। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ चीज़ें होने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको आपका अपना ब्लॉग होना चाहिए या फिर आपका वेबसाइट होना चाहिए। और अगर आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट कुछ भी नहीं है तो कुछ दूसरे का ब्लॉग या दूसरे का वेबसाइट में कैसे आपका जो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है वो सीखना चाहिए। तो इसका सारे जो ट्रेनिंग है आपको का हमारे वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। हमारा जो ट्रेनिंग कोर्सेज भी है वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप इसको अगर अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप रिक्वेस्ट भेजें, ताकि हम आपको फ्री में ईबुक भेजेंगे एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और नेक्स्ट जो डिजिटल मार्केटिंग है वो है सोशल साइट मार्केटिंग। सोशल साइट मार्केटिंग आप जानते हैं सोशल साइट क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उसके बाद यूट्यूब, ये सभी सोशल साइट्स में जो कंटेंट जाता है इसका थ्रू भी आप लाखों कमा सकते हैं घर बैठे हर महीना। तो ये सब कैसे करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे उसमें आप प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को बनाएंगे, कैसे आपको कंपनी पेमेंट करेगा, ये सारी डिटेल्स आपको हम बता देंगे हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट में जाइए और हमारा जो ऑनलाइन जॉब्स का जो पेज है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको मिल जाएगा। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो क्वेरी है वो आप डालिए, तो हम कोशिश करेंगे आपका जो भी क्वेरीज है उसका जवाब देने के लिए, एक्सपर्टिसमेंट के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, आगे के वीडियो में हम बताएंगे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।